अपनी वाइफ को भेज रहे हैं वीडियो। अरे भेजिए, डाली 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 डाली। देखो ये आ रही है राइस, मतलब भात। नहीं मैं बैठ यहीं से। तो मैं आज खाने वाला हूँ मछली और भात, मतलब राइस, और इसलिए मैंने चुना है मद्रासी रेस्टोरेंट बिलासपुर का। स्टेशन से बहुत नज़दीक है ये होटल और कई लोगों ने तारीफ़ की थी, तो मैं ये यहाँ पहुँच गया। और आप देख सकते हैं जो पीस है वो जिस ग्रेवी में है वो एकदम पीला भी नहीं है और एकदम ज़्यादा रेड भी नहीं है। देखने में तो बढ़िया लग रहा था, हल्का हल्दी हल्दी भी कलर था, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे याद आया थोड़ा बहुत मदुरई। मदुरई में भी गाइस ऐसी ही मछली मिली थी मुझे। जो देखिए बंगाली और तमिल का जो बेसिक मेरे को फ़र्क लगता है कि तमिल वाले में ना जो पीस होता है वो थोड़ा ज़्यादा कड़ा होता है, उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बंगाली स्टाइल में थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट मिलता है। तो टेस्ट करने के बाद मुझे हल्का वो लहसुन वाला स्वाद मदुरई का तो आ रहा था, बट पूरा नहीं आ रहा था। जो हमने उधर खाया था अलग से उसका फ्लेवर हुआ करता था, तो वो थोड़ा मिस किया। फिर मुझे लगा चलो भाई बिलासपुर में दे रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा 19-20 हो जाए। अगर रेटिंग की बात कहें तो मैं इसे 10 में से 7 या 7.5 दूंगा। एक डिसअपॉइंट रहा, वो है मछली का साइज़। टोटल बिल बनता है अप्रॉक्स 190 का, और मैं फिर सोचता हूँ कि छाछ पी लूँ। तो जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो ये दुकान के बारे में मुझे जानकारी मिलती है, बट गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि मैं प्लान कैंसिल करके वापस चला जाता हूँ। शाम हो चुकी है लेकिन सड़कें इतनी गर्म है अभी बिलासपुर में कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि कहीं और जा सकूँ। तो फिलहाल मैं तय करता हूँ कि अभी घर जाया जाए, रूम में वापस चल लेता हूँ, और शाम में हो सकेगा तो दोबारा निकलूँगा किसी नई जगह की खोज में। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। थैंक यू।